हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर थ्योरी के लेक्चर आपको दिए हैं और इसका जो एक्टिविटीज है उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके या आप चैनल पर जाइए, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके या केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जो है क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, तो इसमें से हमें मैटर को देखना कि कौन कौन सा मैटर है। देखिए, मैटर देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइड द स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड अ मैटर। मैटर में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए। तो दो चीजें जिसमें है उसे हम मैटर बोलेंगे। अब याद रखिए कि मैटर जो है पृथ्वी पे कितने स्टेट में पाई जाती है? मैटर स्टेट पृथ्वी पे 3 स्टेट में पाई जाती है, एक सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड और तीसरा आपका गैस। तो ये 3 स्टेट में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है चेयर। देखिए, चेयर जो होती है उसे हम तौल सकते हैं और वो स्थान घेरता है, मतलब ये हमारा मैटर है। पर चेयर का क्या होता है? चेयर जो है सॉलिड में होता है कि लिक्विड में होता है? सॉलिड में होता है। तो मतलब क्या है कि सॉलिड है चेयर। दूसरा, एयर की बात करें तो एयर भी स्थान घेरता है। तो एयर, लेकिन एयर किस में? हमारा गैस में होता है। लव, ये कोई स्थान नहीं घेरता, ये फीलिंग्स होती है। स्मेल, ये भी कोई स्थान नहीं घेरता, मतलब ये भी मैटर नहीं है। हेट, घृणा, ये भी आपका मैटर नहीं है। हाँ, ऑलमंड्स जो है ये मैटर होता है और ये स्थान घेरता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड रूप में होता है। थॉट, सोच, वो स्थान नहीं घेरता। कोल्ड, ठंडा, ये भी स्थान नहीं घेरता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो स्थान घेरता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये जो है हमारा मैटर है। ध्यान दीजिए, स्मेल जो है वो मैटर नहीं है, पर स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। तो क्या डिफरेंस है? स्मेल ऑफ परफ्यूम का मतलब होता है द पार्टिकल ऑफ द मैटर इन द गैसियस स्टेट। किसी भी मैटर के गैसियस स्टेट में, सॉलिड जो था, परफ्यूम जो था लिक्विड में था, उसका गैसियस स्टेट में जो है वो हमारा पार्टिकल्स होती है। तो ये भी हमारा मैटर है, लेकिन जो वो वाला स्मेल है वो ऐसा कंडीशन नहीं होता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि सॉलिड स्टेट के इस पे कितने हैं? 2 हैं, चेयर और आलमंड है। दूसरा हमारा, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कितने हैं? 1 है कोल्ड ड्रिंक। और गैसेस स्टेट में कितने हैं? एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन को डील करने के लिए क्वेश्चन के हम कीवर्ड को देखते हैं, उस कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसका कीवर्ड क्या था? मैटर। मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, जो कि स्थान घेरता है, जिसमें वॉल्यूम होता है। अब आप अगर डायरेक्ट भी ये भी लिख के चले आओगे तो गलत नहीं है कि चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ द परफ्यूम मैटर है। लेकिन थोड़ा आप अच्छे से लिखो तो आप इसको क्लासिफाइड करके लिख सकते हो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस ये है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, उसमें पूछा है कि गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या दिया ऑब्जर्वेशन? द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट यू द स्मेल From the cold food, you have to go close. देखिए, स्मेल, सबसे पहले अगर हम स्मेल की बात करें तो यहाँ पे फूड की स्मेल आएगी, मतलब सॉलिड स्टेट के जो है पार्टिकल्स, उसको गैसेस स्टेट में आने के बाद ही तो हमारे नाक तक पहुंचेगा। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा, वो जल्दी हमारे नाक के पास पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो जल्दी मूव करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाएगा। लेकिन जिसकी वेलोसिटी कम होगी और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसके पास थर्मल एनर्जी कम होगी, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके पास जाना होगा। सेम कंडीशन होता है कोल्ड फूड और हॉट फूड में। हॉट फूड में क्या होता है कि हॉट फूड के पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, वो मूव करता है फास्टर देन द कोल्ड फूड और मूव करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। लेकिन कोल्ड फूड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होता है, उनके बीच इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। तो क्या होता है हमारा? वो काइनेटिक एनर्जी कम होता है, मतलब वो ज्यादा दूर मूव नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनके पास जाना होता है उनकी स्मेल लेने के लिए। तो देखिए मैंने क्या इसको लिखा है कि सॉलिड में डिफ्यूजन स्लोली होता है, डिफ्यूजन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है जब हम हीट देते हैं, एंड जो हीट देते हैं तो उससे हमारा काइनेटिक एनर्जी बनता है। अब क्या है? हॉट सीजनिंग फूड पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, सो स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचेस एज इवन एट अ डिस्टेंस, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज टुगेदर। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया जो हमने लिखा है। बाकी जो हमने समझाया वो तो आपको हमने मेरे स्टेप बाय स्टेप से समझाया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है
कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए क्या होता है कि जब डाइवर हमारा कोई भी जब तैराक जब पानी को काटता है तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है। एक तो जो है हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, एक ये बता रहा है। दूसरा इससे ये पता चलता है कि जब भी काट के वो आगे बढ़ता है तो फिर से उसकी सतह जो है सेम हो जाती है वाटर के, मतलब ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो एक ही मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द वन काइंड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सेम इन द सेम मैटर, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है एक फोर्स, कोहेसिव फोर्स, जो कि उसको फिर से प्रीवियस स्टेट में पहुंचा रहा, तो उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर के, तो पहला है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, दिस स्पेस इज नोन एज अ इंटरमोलिक्यूलर या इंटर पर्टिकुलर स्पेस। दूसरा क्या है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर इन कंटिन्यूअस इन मोशन। और तीसरा क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर सो मेंटेन द रिजिडिटी, सो मेंटेन द स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। अगर आपने मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे